भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 203.57 के स्ट्राइक रेट से केवल 28 गेंदों पर नॉट आउट 57 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। उनकी विस्फोटक पारी के दम पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को 200 रनों का लक्ष्य दिया और फिर 62 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह भी ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। अय्यर ने इसके लिए मैच के दौरान उपकप्तान जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी की भी मांग की, लेकिन उन्हें गेंदबाजी नहीं मिली। श्रेयस अय्यर ने अब मैच के बाद हंसते हुए कहा, पारी के करीब 16वें ओवर में जब नियमित कप्तान रोहित बाहर गए हुए थे तो बुमराह कप्तानी कर रहे थे। मैंने उन्हें घूस देने की कोशिश की कि मुझे भी गेंदबाजी दी जाए, लेकिन वह नहीं माने। मेरी शुरुआत धीमी थी, लेकिन एक बात यह भी थी कि यह पिच आसान नहीं था। हालांकि एक बार जब मैं सेट हो गया और शॉट लगाने लगा तो चीजें आसान होने लगीं।